जो जानवर दूध देने वाले हैं उनके लिए जर्मिनेटेड सीड बहुत फायदा होता है। गाय को सीधा खिला दीजिए, एकदम खुश होके खाएगी। आप लोग जर्मिनेटेड सीड बनाने के लिए ऐसे गेहूं ले लीजिए, चना गया चुपचाप पड़ा लेता, जहां उसको पानी में डाल के दो दिन छोड़िएगा, निकल जाएगा अंकुरण, उसमें से निकल जाएगा, बस जमीन मिल जाए कहीं, अभी तो चना का झाड़ लगा देंगे हम यहीं पे। अब देखिए जो जानवर दूध देने वाले हैं उनके लिए जर्मिनेटेड सीड बहुत फायदा होता है। तो आप लोग जर्मिनेटेड सीड बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे गेहूं ले लीजिए, सपोज कीजिए गेहूं, गेहूं को ना भिगा लीजिए, गेहूं को क्या कर लीजिए भिगा लीजिए, और हल्का सा उस पानी में चूना डाल दीजिए जिसको गाय को खिलाना है, जिस पानी में भिगा रहे ना उसमें एक तो इतना चूना का पत्थर डाल दीजिए, रात भर में भीग के फूल जाएगा, चूना से उसमें कैल्शियम आ जाएगा, गाय को कैल्शियम बहुत जरूरत होती है उसको। दूसरा, चूना से उस बीज के ऊपर जितने भी कीटाणु होंगे मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब गाय को भी नुकसान नहीं करेगा। और उसको क्या कीजिए ना, किसी जैसे ढाल नुमा जगह पे बिछा दीजिए, ढाल नुमा जगह पे बिछा, टॉप वगैरह कोई बड़ा सा एरिया, जैसे करकट देखते हैं करकट, तो ढाल नुमा होता है उसमें बिछा दीजिए, और उसको 4 दिन तक उसमें क्या करिए, जर्मिनेशन कीजिए। मिट्टी नहीं रहना चाहिए, शर्त क्या है, मिट्टी नहीं रहना चाहिए। तो उसमें 1 हफ्ता तक जर्मिनेशन जब कराएंगे तो अच्छा खासा निकल जाएगा। अब इसे जब आप 15 दिन तक कराएंगे तो जर्मिनेशन से फायदा जानते हैं क्या है, 15 दिन में पौधा एक बीता का हो जाएगा, बीज भी बड़ा हो जाएगा, जो अंकुरण होता है वो भी हो जाएगा, अब बीज भी बचा रहेगा, थोड़ा सा बीज 15 दिन तक क्या होगा, बचा रहेगा, उसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी। गाय को सीधा खिला दीजिए, एकदम खुश होके खाएगी, कहेगी वाह एकदम कंप्लीट डाइट खिला दिया, बीज भी है, अंकुरण भी है, हरा चारा भी है, थैंक यू। नहीं समझे, आप लोग रिजेक्ट चीज दे देते हैं, उतना कौन ध्यान देता है, गाय को उतना ध्यान से नहीं देते हैं, उस सबको ठीक ठाक से रखना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं?